घटना बहुत आदिवासी के साथ बहुत घटना ऐसा है कि प्रचार में नहीं आता है, वो देख नहीं पाता है, बहुत ऐसे विलुप्त हो जाता है, ऐसे भी है। तो इस सबको आप जागने और जगना जरूर करेंगे। देखिए मजबूत तो बहुत सारा कानून है, और जैसे जमीन जगह का CNT एक्ट है और महिला जो हो रहा है, लेकिन इस पर कड़ी नज़र रखने का जरूरत है, मतलब इसे सख्ती से लागू करने का जरूरत है। बहुत सारा चीज़ है आज आदिवासी के साथ, क्यों सोचने वाला विषय है, क्यों होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हमारे बहुत हमारे मुख्यमंत्री CM जी आदिवासी भी हैं, लेकिन इसको पूरा एकदम कड़ी से कड़ी वैसे लोगों को सजा भी देना चाहिए। तो कानून तो बनना चाहिए, ही तो है। अब तो राष्ट्रपति के पद पे भी आप आदिवासी भी राष्ट्रपति है, लेकिन भी आए दिन आदिवासी के साथ रेप कर दिया, ही कर दिया, और केस भी मजबूत नहीं होता है, 2 दिन में 6 महीना में 3 महीना में जेल होकर निकलता है। तो हमारे पार्टी जो हमारे आदिवासी भाई बहन होता है, वो कोर्ट जाने के लिए नहीं जानते हैं, तो लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाते हैं, न सख्ती से उसको यही करते हैं, तुरंत जेल हो जाता है, फिर खुले फिर वैसे ही करना करता है। ये बहुत तरह का है। सबसे पहले जो कर्म त्यौहार आ रहा है, सभी झारखंडी को हमारा कर्म पर शुभ अवसर पर सभी को प्रणाम जोहार। और अपने जो कहा कि आदिवासी के साथ घटना दिनों दिन बढ़ रही है, सही बात है। और आदिवासी के साथ आप बीते दिनों देखे कि कोई सुनीता खाका जैसे को 8 साल से बंधक बना के रखा है, और आदिवासी इतना साधारण और मतलब अपना समाज को अपने हित अपने समाज को कुटुंब तरह का लोग आप हम लोग रहते हैं, और उसमें अपना जो त्यौहार अभी आने वाला है उसमें पूरा तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कहीं कहीं पर अभी पूर्व संध्या लोग कल मनाएंगे, आज से शुरू हो गया है, तो बहुत आदिवासी कर्म मतलब भूला भाला है, लेकिन इसका फायदा जस्ट हमारे दूसरा लोग जो बहुत ही निर्दय टाइप का, कभी आज हम आज अखबार में भी पढ़े थे, कहीं कोई रेप करके हत्या कर दिया, इस बार 8 साल का बंधक बना दिया उधर, तो बहुत ही खराब मैसेज है। और हम लोग को इसलिए हम कहना चाहते हैं अपने भाई बंधु सब, हर पर्व त्यौहार को मनाते हुए हर भोला भाला लोग है, लेकिन आप कहेंगे कि आप जागरूक हो जाइए, क्योंकि आज जल जंगल जमीन का लड़ाई करते करते आज अपने ऊपर भी लोग डायरेक्ट वार कर रहे हैं, आदिवासी समाज पर वार कर रहे हैं, बेटी बहन पर, जमीन पर, तो ये सब पूरे पर जमीन कर रहे हैं। तो हमको यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे आदिवासी आप मजबूत हों, क्योंकि आदिवासी बहुत मजबूत है, आदिवासी लोग हमेशा लड़ते आया है। आज सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, चांद भैरव, महिला में सिंगी दे, कैली दे, कुनो झानो, बहुत मजबूत है, लड़ाकू है, शुरू से लड़ते आए हैं और अपनी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, अपने जल जगह जमीन के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन वे आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें जो ई पीढ़ी चल रहा है थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है। तो इस पर हम कहेंगे कि आप लोग हमारे समाज में जो समाज में है कुर्तियाँ हैं शराब दारू को, इसको भी सेवन करना बंद करना चाहिए, कम करना चाहिए, त्यौहार का जो पूजा पाठ में कल सुविधा समान चाहिए, आओ अपने आप पर पूरा समाज एकजुट करके उसको मजबूती से जहाँ भी किसी को परेशानी उस पर खड़ा रहना चाहिए। आज आदिवासी समाज के अलावा दूसरे समाज आज किसी उसके प्रति कुछ घटना हो जाता है तो कैसे आक्रोश हो जाते हैं, लेकिन आदिवासी चुप रहता है, इसको जगाने का जरूरत है, और जागने खुद जागना है, दूसरों को भी जगाने की जरूरत है। हम यही आपको अपने माध्यम से अपने जनमान से ये संदेश देना चाहते हैं, और अपने त्यौहार को अपने जो संस्कृति जो अपना सभ्यता जो सभी चीज़ जो परंपरा है सबको अपना रख रखे, लेकिन यही है कि फिर भी इतना
करते हुए भी। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।